कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ जिले के मवाना में सम्राट मेहर भोज की जयंती यात्रा निकालने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जयंती यात्रा निकालने की इजाजत नहीं है, वहीं गुर्जर समाज के लोग यात्रा निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं। मौके पर पहुंचे सरदना के सपा विधायक अतुल प्रधान समेत 20 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यात्रा को लेकर गुर्जर समाज व पुलिस के बीच गतिरोध जारी है। अतुल प्रधान आदि को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। देखिए फर्स्ट बाइट टीवी के कैमरे की नजर से मौके के हालात। हर जगह वही हो रहा है, हर साल होता है, उसमें हमें कोई यात्रा नहीं निकली है पहले, ना परमिशन है। पिछली बार तो यात्रा नहीं निकली थी जी, परमिशन आप लोगों के हाथ में नहीं नहीं आप मांगोगे तो मांगोगे। कहना ये है तानाशाही है, पूर्व में निकली है यात्रा, हम सबका सम्मान करते हैं, सब जातियों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन प्रशासन की मंशा इसमें गलत प्रतीत होती है। लेकिन चूंकि वरिष्ठ अधिकारी यहां पे मौजूद हैं, इन्होंने क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, इन्होंने ये कहा कि वहां पर आप किसी वाहन से चलिए, हम पुलिस की गिरफ्तारी में जाकर माला चढ़ाएंगे, माला जो है माल्यार्पण करने का काम करेंगे। देखो यात्रा का विषय ये है, यात्रा के लिए सब लोग इकट्ठे हुए, डिटेन किए जा रहे हैं, अलग अलग जगह ले जाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पुलिस लाइन अलग अलग जगह गए हैं, यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी हैं। जनपद में आज दो कार्यक्रम थे, इसमें एक थाना गरखेड़े के अंतर्गत और एक थाना मवाना पे जो किराए पे मूर्ति है वहाँ पर माल्यार्पण कार्यक्रम था, जो माल्यार्पण कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और इसमें कोई शोभा यात्रा की कोई अनुमति नहीं थी और नहीं कोई शोभा यात्रा इसमें निकाली गई। इसमें 10 जो लोग थे वहाँ पे उनके द्वारा शुरुआत में आके उनके द्वारा कहा गया कि हम शोभा यात्रा निकालें, तो 10 लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। सभी लोग इकट्ठा कैसे हो गए वहाँ पर? इसमें क्योंकि हर साल इसमें वहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है, आज 18 सितंबर है और हर साल यहाँ पे माल्यार्पण का कार्यक्रम होता है। सर विधायक सहित अब तक कितने गुर्जर नेता इसमें हिरासत में लिए गए हैं? हिरासत में नहीं लिया गया। और सर जो गुर्जर नेता उन्हें भी बता जा रहा है 10 लोग, 10 लोग वहाँ पे आए थे जो शुरुआत में आए थे उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया। सर धक्का मुक्की भी हुई है पुलिस से? इसमें धारा 144 में नहीं, यहाँ पे हर साल माल्यार्पण का जो कार्यक्रम होता है
उस माल्यार्पण कार्यक्रम के तहत यहाँ पे जो तिरहा है वहाँ पे जो मूर्ति लगी है उस पर माल्यार्पण कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किया गया है। सर बताया जा रहा है कैसी सेना ने पहले से धमकी दे रखी थी कि हम नहीं निकलने देंगे, क्या ऐसा भी मामला? इसमें हर साल जो माल्यार्पण कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किया जाता है और वहाँ पे कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती, इसीलिए कोई शोभा यात्रा की अनुमति प्रशासन और पुलिस के द्वारा वहाँ पे नहीं दी गई थी। केवल माल्यार्पण का जो कार्यक्रम वहाँ पे औपचारिक रूप से होता है वो हर साल वहाँ पे मनाया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।